Namaskar. Welcome to all of you in my today's live class, in which we are here to discuss over chapter 4. Class 8, SST, Minerals and Power Resources. Am I correct? In which up to now we discussed about metallic minerals and non-metallic minerals. In which a simple concept I gave it to you that such kind of minerals which contains metallic things that comes under metallic minerals and which contains non-metallic things is come under non-metallic minerals. And in my previous day session I told it to you that next day we will start discussion over extraction of minerals. What I told it to you that we'll start discussion over extractions of minerals. Bhai, ek baat batao, what do we mean by extractions of minerals? सारे चीजों का जवाब जो है वह लगभग लगभग आपके आसपास से गुजरा है. Now it depends upon you that how easily you are going to gain these concepts or these facts. अब सवाल है कि सर आपने कहा metallic mineral और non-metallic mineral. मतलब आप तो कह रहे हैं metal और non-metal भी नहीं कह रहे हैं, mineral भी सिर्फ नहीं कह रहे हैं. मतलब क्या है कि वैसे खनिज जिसमें धातु मौजूद हो और वैसे खनिज जिसमें अधातु मौजूद हो, मतलब metals मौजूद हो या non-metals मौजूद. इसका मतलब है कि सर आपके शब्दों से स्पष्ट लग रहा है कि उसमें और भी कुछ है, तो डेफिनेटली यस. और वो होती है इंप्यूरिटीज, और इंप्यूरिटीज के साथ जो उपलब्ध मेटल्स होते हैं मिनरल में, दैट विल बी नोन एज ओर. ओर को क्या बोलते हैं? अयस्क. ओर को क्या बोलते हैं? अयस्क. यह वस्तुता जो है, एक चीज आपको समझना है कि जब जमीन के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का धातु अथवा अधातु हो, वो कोई प्योरेस्ट फॉर्म में उपलब्ध नहीं होता है. एम आई क्लियर? वो प्योरेस्ट फॉर्म में उपलब्ध नहीं होता है. वह गंदगियों और कई अन्य प्रकार के नाना प्रकार के चीजों. अब गंदगी इसलिए कह रहा हूं चूंकि अगर वो आयरन के साथ है और आयरन नहीं है, इट मीन्स आयरन के लिए वो वेस्ट है, इम्प्योरिटीज है, वो तो है नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं. अब सवाल है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब द प्रोसेस बाय विच, एक लाइन में जवाब याद रखना, द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेन प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रोसेस बाय विच वी गेन प्योर मेटेरियल ब्रैकेट में मेटल बाय देयर मिनरल्स इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. उसी को कहते हैं एक तरह से खनिज का जो है कि कैसे उससे धातु का निष्कर्षण होता है. अब द प्रोसेस बाय विच वी कैन डिगिंग आउट द ओर इज नोन एज माइनिंग. खनन क्या है? धरती के अंदर से उस ओर को निकालने की घटना को ही क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं. और माइनिंग जो है दो प्रकार का होता है. यू कैन गूगल इट दैट आयरन माइनिंग जोन इन बेल्लारी. आप गूगल करना बेल्लारी आयरन माइनिंग जोन. आप देखेंगे कि बड़े बड़े भूखंड होते हैं और किनारे किनारे गोलाकार पथ पर ट्रक बड़े बड़े हाईवाल्स को उतरने के लिए जगह बना रहता है. बिल्कुल बड़ा लगेगा कि 10 15 20 फुटबॉल ग्राउंड का मैदान है और उस चारों तरफ से एक ढाल नुमा सड़कें बनी होती हैं उतरने के लिए, और वो नीचे टूटता रहता है, उसको निकालते रहते हैं और वो गड्ढा धीरे 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 गहरा होता है. तो जो ऊपर से खुला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. उसको क्या बोलते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग. और दूसरा, अगर आप केव्स बना लिए, सुरंग बना लिए टनल से, एक गुफा रूपी आकृति, मतलब विच इज नॉट अनकवर्ड, मतलब जो ऊपर से ढका हुआ है, मतलब आप अंदर में स्रोत बना रहे हैं,
तो उस तरह से अगर आप किसी मिनरल्स को निकालते हैं तो निकालने की घटना को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डीप शाफ्ट माइनिंग, और सॉरी दैट वन इज ऑल्सो नोन एज क्लोज कास्ट माइनिंग, दैट वन थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, तो उसको बोलते हैं क्लोज कास्ट माइनिंग। और ओपन कास्ट माइनिंग में ही जब काफी गहरा हो जाता है कि भाई अब बोरिंग कर करके निकालना है तो उसको बोलते हैं डीप शाफ्ट माइनिंग, उसको क्या बोलते हैं, डीप शाफ्ट माइनिंग बोला जाता है। और जब होल काफी गहरा होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, वाटर वगैरह के लिए होता है ड्रिलिंग, क्या होता है, द टर्म विच इज यूज फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज ड्रिलिंग। दिस वन इज द फैक्ट व्हाट वी हैव टू रिमेम्बराइज। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर, अब एक तो चीज तय है ना कि ऐसा थोड़ी है कि हर तीन किलोमीटर के बाद, हर तीन किलोमीटर के बाद आयरन मिल रहा है, हर दो किलोमीटर के बाद एल्यूमिनियम मिल रहा है, हर चार किलोमीटर के बाद गोल्ड मिल रहा है। इट मीन्स वन लाइन फैक्ट व्हाट वी हैव टू रिमेम्बराइज दैट मिनरल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि सही बात है कि ऐसा नहीं है कि मिनरल्स जो है पूरे दुनिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं। भारत के तुलना में ले लीजिए, जादूगोड़ा में यूरेनियम है फिर बिहार में नहीं कहीं है, झारखंड में कोयला है तो उड़ीसा में आयरन ओर्स है, तो जरूरी नहीं है कि हर मिनरल हर जगह मौजूद हो, यह नॉन यूनिफॉर्मली दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। और यही वह कारण है कि जो देश खनिज के मामले में सुदृढ़ है वह देश समृद्ध माने जाते हैं, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच काइंड ऑफ कंट्रीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा रेवेन्यूज। जो भी देश प्राकृतिक संपदा, अर्थात प्राकृतिक का मतलब खनिज संपदा की मैं बात कर रहा हूं, से परिपूरित होता है वह देश बेहद ही शक्तिशाली और सक्षम राष्ट्र समझा जाता है। सो जनरली वी हैव टू रिमेम्बराइज दैट मेटेलिक मिनरल्स मतलब मीन्स इट्स कंटेनिंग आयरन कॉपर मैग्नीज ETC आर फाउंड, मतलब जो मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लोहा कॉपर मैग्नीज, ये सभी सामान्यतः ओल्ड प्लेट्यूज वाले गर्भ में पाए जाते हैं, मतलब वैसा भूभाग जो कि ओल्ड प्लेट्यू रीजन के तहत आता है उसके नीचे इस प्रकार के मेटेलिक मिनरल्स के पाने की संभावना ज्यादा रहती है। प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स आर मेनली, जो प्लेन्स है मैदानी इलाके हैं, और जो पर्वतीय इलाके वहां पर सामान्यतः नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइम स्टोन एंड मिनरल फ्यूल्स की उपलब्धता पाई जाती है। इन माई नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर डिफरेंट कॉन्टिनेंट कि भाई किस महादेश में कौन से मिनरल्स की उपलब्धता ज्यादा है, कौन किस चीज के लिए फेमस है, इस विषय पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।